ಆನಂದ ಜಗದೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಬ್ರೀಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಿಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಬ್ರೀಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಿಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಬ್ರೀಂದ ಸೂತ್ರ ಖೋಲ್ आवाज सुनते पर ना सब आते प्रिया द्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 आ गोविंद राधे बोल गोपाल राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरि
परमानंदे हरि हरि बोल। दरवाजा खुला बार बंद अभी बंद करा प्रभु जी ने मेरे को हाँ ओम ज्ञान तमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकभितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर रनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत चविकेल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदय केल सिंधु। वृंदावि तुलसी देवई प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि। ये आवाज ना गूंजे हरि राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग एक दिन पहले श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु का महिमा को गान कर रहे हैं और सभी को सामने नित्यानंद प्रभु का महिमा को प्रकाश कर रहे हैं। श्रीमान महाप्रभु एक दिन इन्होंने हैं महाप्रभु का आदेश में बोले सबके सब श्री नित्यानंद प्रभु का चरण को अभिषेक करो और उनका चरणामृत ग्रहण करो। जब उनके चरणामृत ग्रहण किया हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे लोग बोल रहे थे आज हमारे जीवन धन्य हो गया है क्योंकि आज श्री नित्यानंद प्रभु का चरणामृत हमें प्राप्त हुआ है। कोई कहते हैं हमारे तो सारे अविद्या हमारे सबके सब अविद्या नष्ट हो गया। कोई बोलते हैं आज से हम लोगों ने कृष्ण का दास बन गए। कोई कहते हैं आज का जो दिन है ना बहुत बढ़िया दिन है क्यों आज श्री नित्यानंद प्रभु का चरणामृत हमें प्राप्त हुआ है। कोई कहते हैं नित्यानंद प्रभु का चरणामृत में भैया बड़ा स्वाद है हाँ बड़ा स्वाद है। कोई कहता है जब से हमने नित्यानंद प्रभु का चरणामृत लिया ना तब से मुंह से मिठाई जा ही रहा है हाँ, लग रहा है मुंह में मिठाई मिठाई हो गया है और सबके सब कृष्ण प्रेम में चंचल हो गए सबके सब नाच रहे हैं गा रहे हैं कोई बिहोल हो रहे हैं हैं इसलिए सबके सब उन्मत्त हो गए नित्यानंद प्रभु का चरणामृत लेकर के। इसलिए यहाँ पर प्रभु बोले ए नित्यानंद स्वरूप रे जे करे भक्ति श्रद्धा से करे आमारे। कहते जो व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु का श्रद्धा भक्ति करते हैं वो मेरे को श्रद्धा भक्ति वो अपने आप मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति हो जाता है और जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का श्रद्धा भक्ति नहीं करते हैं कहते भैया मेरा सेवा पूजा उनका नहीं होता है मेरा सेवा पूजा उनका नहीं होता है।
कहते नित्यानंद प्रभु का जो चरण है कैसे है, कहते ब्रह्मा शंकर के लिए भी इनका चरण दुर्लभ है, इसलिए नित्यानंद प्रभु का चरण में जो थोड़ी सी भी किसका विद्वेष रहो है, थोड़ी सी भी किसको अगर विद्वेष रहता है वो कभी भगवत भक्ति में बढ़ ही नहीं सकता। और नित्यानंद प्रभु का शरीर का हवा भी अगर किसको शरीर में लग गया ना, बस अपने आप उनकी कृष्ण भक्ति हो जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ कह रहे हैं अगर ये नित्यानंद प्रभु का कथा अगर कोई सुनेगा तो उसको प्राप्ति क्या होगा, कहते उनका प्राप्ति होगा, कहते है न निताई विनय भाई राधा कृष्ण कायते नाही, निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु का कथा सुनने से अपने आप श्री चैतन्य महाप्रभु उनका प्रभु बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने आप प्रभु बन जाते। एक दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे, बैठ करके हाँ बोले एक दिन आचंबिते हैल हेन मति आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास अमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, चारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश, प्रति घरे घरे गया माग ऐ भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण करे कृष्ण से क्या। पहले मैंने एक बार बोला था ना महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को क्यों भेजे, याद है उसके पीछे मैंने चार कारण बताया था, किसी याद है मना चाहिए किसी, ठीक है ठीक है मना चाहिए कई बार मना चाहिए ना, चार इसका पीछे मैंने चार कारण बताया था हमने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को उन्होंने क्यों भेजा है, थोड़ा थोड़ा याद होगा बोल सकते हो, याद है अच्छी की जमाना, ठीक है ठीक है। हाँ श्रीकांत अगर मन्ना अच्छी कहता हाँ तक तो मन्ना अच्छी श्रीकांत प्रभु बोलते हैं कही हाँ मन नहीं, इसलिए अभी अभी मैं बोलता हूँ फिर वो बोलेंगे तू जाओ तो, इसलिए मन मन भल भाव रखे हो हरे कृष्णा। यहाँ पर एक दिन कहते एक दिन आचंबित हैल है न मति, एक दिन श्रीमान महाप्रभु का हठात उनको दिमाग में आया, बोले क्या दिमाग में आया, तो उन्होंने आज्ञा हैल नित्यानंद हरिदास प्रति, कहते नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास का प्रति उन्होंने आज्ञा दिया है, बोले क्या उन्होंने आज्ञा दिया, बोले सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास अमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश। उन्होंने क्या बताए, कहते नित्यानंद और हरिदास इस बात को सुना, बोले क्या सुना, पर अमर मेरी जो आज्ञा को सर्वत्र प्रकाश करो। तो यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं उनका आदेश क्या है सर्वत्र है, उन्होंने कोई एक स्थान विशेष के लिए नहीं बताया इसी जगह पर जाओ और मेरे आज्ञा को जाकर बताओ, उन्होंने क्या बताए, बोले सर्वत्र मेरी आज्ञा को प्रकाश करो। बोले सर्वत्र मतलब क्या है, कहते वर्णाश्रम बहिर्भूत, केवल एक ब्राह्मण को उपदेश देंगे और किसी जाति को उपदेश नहीं दोगे, नहीं तो कोई नीचे जाति को उपदेश दोगे नहीं तो ब्राह्मण को उपदेश नहीं दोगे, ऐसे नहीं, बोले वर्णाश्रम बहिर्भूत है, कहते और वर्ण आश्रम जो आचरण करते हैं है? इसलिए बोले स्थावर जंगम व्यक्ति विशेष संप्रदाय विशेष है, इसलिए उन्हें सर्वत्र मतलब होता है सब जगह पर ही आदेश को पालन कर, सब जगह पर ही आदेश को प्रचार करना। इसलिए महाप्रभु का एक भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी, पृथ्वी ते आचत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, ये महाप्रभु का ही भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी की नगर नगर में गांव गांव में गली गलियों में ये महाप्रभु का वाणी महाप्रभु का नाम जाएगा और सुखी है या लोक मर गायबे की कृति, सब लोग प्रसन्न होकर के मेरी कृति को सबके सब गान करेंगे, ये महाप्रभु का ये भविष्यवाणी है। केवल भारत में नहीं है, अभी देखो विदेश में भी
अभी ऐसे कोई राष्ट्र नहीं जहां पर महाप्रभु की वाणी गया नहीं है। लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज है, रशिया, फसिया, सब जगह के लोग तिलक कंठी लगा करके अभी सबके सब क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग अभी हरि नाम सबके सब लोग कर रहे हैं। इसलिए कहते हरिदास प्रति हाँ, इसलिए बोले चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और जिसको देखो उसको बोलो। जो कृष्ण का जो भक्ति करने के लिए चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको ही उपदेश करो है, उपदेश करो। इसलिए अमर आज्ञा गुरु हैया तारा यही देश, इसलिए कहते जो व्यक्ति निका आज्ञा को पालन करते हैं कहते वही जगत में गुरु है। जो आज्ञा को पालन करते हैं जगत में महाप्रभु को ही, एक व्यक्ति को किसको उन्होंने गुरु बना करके नहीं गए। इसलिए जब हमारे गुरुदेव को किसने बोले आप किसको आचार्य क्यों नहीं बना करके जा रहे हो, आपके बाद में आचार्य कौन बनेगा, तो गुरुदेव बोले आचार्य स्वयं प्रकाशित होते हैं। इसलिए जो महाप्रभु का आदेश को पालन करेगा वही आचार्य है, जो गुरु जी की महाप्रभु का आदेश को पालन करेगा वही आचार्य, आचार्य स्वयं प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे आज्ञा गुरु है या तार यही देश, और क्या करो प्रति घरे घरे किया मांगे ही भिक्षा, हर घर घर में जाओ भिक्षा मांगो है, क्या मांगो भिक्षा मांगो। बोले किस चीज की भिक्षा मांगो, तो उन्होंने तीन चीज की भिक्षा मांगने के लिए बोले, क्या क्या, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। इसलिए कहते बोलना तो कृष्ण बोलो, शिक्षा की जो प्राप्त करना तो कृष्ण की शिक्षा प्राप्त करो है, और बोलो कृष्ण, भजन करना तो किसको भजन करो, कृष्ण को ही भजन करो। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को क्यों भेजे, वहां पर तो और बहुत सारे भक्त लोग थे, कभी ये दोनों व्यक्ति को उन्होंने क्यों भेजे, तब इनको पीछे कितना कारण बताए, चार कारण बताए। तब तुम लोग एक एक कारण को सोच लो, ठीक है, अब एक एक कारण को अच्छे तरह से बता, गोटे कारण को, और मैं एक कारण बताऊंगा, ये एक 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 तरीके से बोले, ठीक है बोलो, तब को कारण, हाँ एक कारण, यहाँ पर हमारे सब भक्त लोग बैठे हैं, ये भक्त लोग एक एक कारण को बताएंगे, कहीं घुस जाएंगे, ठीक है जाओ, बोलो डायरेक्ट भाग वंदन करे उधर करें, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु भेजने का एक कारण है, नित्यानंद प्रभु आए थे ब्राह्मण कुल में, हरिदास ठाकुर आए थे मुसलमान कुल में, जो आए थे महाप्रभु इसलिए भेजा, कोई व्यक्ति बोलेगा कि उच्च कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भगवान का भक्ति कर सकता, क्यों वो श्रेष्ठ जाति है, चार जाति बीच में वो श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति पूछ सकता जो छोटा जाति वो भजन कर सकता भगवान का, इसीलिए हरिदास ठाकुर को सोचा हरिदास ठाकुर भेजता हूँ, क्योंकि हरिदास ठाकुर देखा तो ये बलराम बहु जो नित्यानंद बहु भेजा, देखा ब्राह्मण एवं मुसलमान चंडाल कोई भी जाति हो, जाति पाची न पूछे कोई, हरि का भजसो हरि का हुई, जो भगवान का भजन करेगा किसी भी जाति में आने पर भी भगवान का भजन कर सकता, इसीलिए दोनों को भेजा था। हरे कृष्ण, देखो और सुन लो अच्छे तरह से। इसलिए इसका पहला कारण प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने
ये दोनों व्यक्ति को क्यों भेजे? पहला कारण बताए, जैसे अभी भी ये सब चीज बात है, वर्ण आश्रम जाति अभी भी, जैसे हम लोग कभी शादी कराते हैं अपना जाति में ही शादी कराते हैं, हैं? अपना कुल मर्यादा के अनुरूप अपना जाति में ही शादी कराते हैं। इसलिए उसी समय तो बहुत, अभी तो लव मैरिज में क्या होता है, कभी कभी इधर उधर जिसका प्रेम किया उसमें शादी कर लिया, लेकिन पहले ये सब बात था नहीं। पहले केवल अपना जाति में ही, ब्राह्मण हो तो अपना ब्राह्मण जाति में ही शादी करेगा, क्षत्रिय हो तो अपना क्षत्रिय वंश में ही जाति करेगा, जो जिस जाति के होते हैं उसी जाति में ही लड़कियों को, लड़काओं को वहीं पर शादी कराया करते थे। और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये लोग अपना अपना धर्म को अच्छे तरह से उसी समय में जाजन करते थे, उसके अभिमान भी करते थे, ना ही इस जाति में, हमने इस जाति में जन्म ग्रहण किया है। इसलिए अभी महाप्रभु अभी सोच रहे हैं, अगर हमने ये नित्यानंद प्रभु का अगर हमने भेज दिया है जाओ प्रचार करने के लिए, अभी नित्यानंद प्रभु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, अभी जो लोग जो प्रचार करते समय लोग क्या, लोग क्या समझेंगे, बोले ये ब्राह्मण आदमी है ना, ये ब्राह्मण आदमी है ना, इसलिए ये जो धर्म है ब्राह्मण के लिए। अब देना कोई ब्राह्मण जब कोई व्यक्ति बोलता है उसका जाति का लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनका बात को सुनते हैं। अगर कोई वैश्य लोग बोलेगा ना, ब्राह्मण जाति नहीं सुनेगा, शूद्र लोग बोलेगा शूद्र ब्राह्मण सुनेगा, वो सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं, बोले इसका बात क्या सुनेगा, शूद्र व्यक्ति इसका बात क्या सुनेगा, वो सुनेंगे नहीं। इसलिए महाप्रभु सोच रहे हैं अगर केवल श्री नित्यानंद प्रभु को भेजो ना, इसलिए लोग क्या बोलेंगे, ये जो भक्ति है केवल ये ब्राह्मण लोगों के लिए भक्ति है, ये और किसी जातियों के लिए भक्ति नहीं, उनका जाति का लोग जुड़ेंगे। अभी जो हरिदास ठाकुर जी कहते, अगर इनको अगर मैं भेजता हूँ प्रचार करने के लिए, इनको साथ में तो छोटे जाति के सिवाय और कोई जाति इनको साथ में जुड़ेगा नहीं, जो जाति का हो व्यक्ति हो उसी जाति में आकृष्ट होते हैं। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजा, दो व्यक्ति को भेज करके उन्होंने जगत, उन्होंने शिक्षा दिए, श्री कृष्ण भजने सभी अधिकारी जाति कुलेर विचार नाही, बोले कृष्ण भजन में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं है, इसलिए जाति पात पूछना कोई, हरि का बजा सो हरि का होई, जय भजे सही बड़ो अभक्त ही निचार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार, कृष्ण भजन में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं, इसलिए छोटे से छोटे व्यक्ति भी भक्ति कर सकते हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति भी भक्ति कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु का धर्म में देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु का धर्म में देखो हैं, इसलिए महाप्रभु जिस समय आए बड़े से जो ब्राह्मण कुल में, अद्वैत आचार्य ब्राह्मण कुल में हैं, और श्री नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण कुल में हैं, और गदाधर पंडित, इस जितने बहुत सारी भक्त लोग थे जो कि सबके सब अद्वैत आचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, लेकिन और बहुत सारी भक्त कोई वैश्य जात में, कोई क्षत्रिय कुल में, और कोई छोटे जाति में, हर जाति के व्यक्ति महाप्रभु जब आए हर जाति का व्यक्ति वहां पर थे। केवल उतना नहीं, उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को भी उन्होंने ग्रहण किया, मुसलमान व्यक्ति को भी उन्होंने ग्रहण किया और उनका सर्वश्रेष्ठ बना दिया। क्या नाम उनका दिया? नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर दिया है। इसलिए महाप्रभु आते समय है, इसलिए कहते हैं हे मन गौरवी नाही आर, हे नवतार अब की होए छे, हे न प्रेम परचार, आदुर मति अति पतित पाषंडी, प्राणी न मारी ल करे, हरि नाम दिया हृदय शोधिल, जाचे गया घरे घरे, हे मन गौर बिना नाही आर, चंडाले ब्राह्मणे करे कोला कोली, कबे वाचे लाए रंग। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, आपने कभी देखा है चंडाल और ब्राह्मण हमारे देश में क्या है?
अगर कोई चंडाल व्यक्ति जा रहे हैं ना, अगर परछाई भी ब्राह्मण को लग गया है, परछाई भी लग गया ना, जाकर के स्नान करते थे, चंडाल का परछाई लग गया। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, जब उन्होंने कहीं गए किसी तेली है, तेली घर में, धाम में किसी तेली घर में प्रसाद का व्यवस्था था, लेकिन उनका जन्म ब्राह्मण घर में जन्म हुए है, उनका मर्यादा है। लेकिन जब उन्होंने गए देखा खानी तेल निकालने वाले तेली व्यक्ति, और उसको हमारे देश में साधारण व्यक्ति समझते हैं, और उनको घर में ही प्रसाद की व्यवस्था है, उन्होंने प्रसाद लेने के लिए उनको मन ये नहीं किया, इन घर में प्रसाद कैसे ले, हम ब्राह्मण घर में जन्म हुए। अगर उनको कोई परिवेशन करने वाले, अगर दूसरे जाति को परिवेशन करने वाले ना, उनको हाथ में खाने के लिए उनको दिताभत होता था। रसोई अगर ब्राह्मण के सिवाय है, कोई अगर रसोई बना तो उसको ग्रहण करने की, ब्राह्मण घर में जन्म हुए, उन्होंने अपना परंपरा को देखा है, अपना परंपरा को देखा, अपना ब्राह्मण जाति को उन्होंने देखा है, हैं? इसलिए यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण को भी भेजा और उन्होंने हरिदास ठाकुर को जमन भक्त को भेजा, भेज करके उन्होंने ये शिक्षा दिया, श्री कृष्ण भजन सब अधिकारी जाति कुलेर विचार नहीं। इसलिए कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई भजन विचार नहीं, जय भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार, जो भजन करता है वही बड़ा है, कृष्ण भजन में जात कुल का कोई विचार नहीं। कहते ये पहला कारण है। दूसरा कारण कई बार रुको जा मन चुको ना तापट देखो तुम जा कही बन तुम कही भी हाँ माइक माइक नहीं को महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास ठाकुर दोनों की भगवत नाम प्रचार करने के लिए भेजे। इसका दूसरा कारण बताते हैं कि जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु है ये है कौन ना बलराम बलदेव प्रभु का बताते और ये है कौन ना मूल संकर्षण, और इनका एक अंश जो कारण दवसाई विष्णु से क्या होता है ना सारे के सारे ब्रह्मांड की सृष्टि होता है, तो ये कौन सारे के सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करता, और ये जो हरिदास ठाकुर है ये है कौन ना ये ब्रह्मा जी आप बता, तो ब्रह्मा जी कौन ना एक ब्रह्मांड की है क्या ना सृष्टि करता, तो एक तो नित्यानंद प्रभु जो मूल संकर्षण सारे के सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करता, दूसरा है कि हरिदास ठाकुर ये एक ब्रह्मांड की सृष्टि करता, तो सृष्टिकर्ता होने के कारण एक उनका एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि अपने सृष्टि के जितने सारे जीव है उनको अच्छे से क्या वास्तव शिक्षा व वास्तव विद्या देना। इसलिए बोलते द्वे विद्या व्यतीतवे पराचो अपराचो, विशेष रूप में दो विद्या को जानना चाहिए, पराविद्या और अपराविद्या। जो पराविद्या मतलब सब श्रेष्ठ विद्या क्या नवस्ते की वास्तव भगवत तत्व को जानना या भगवान को जानना, तो इसलिए ये दोनों सृष्टि कर रहे हैं तो जगत को पालन करना भी उनका उसका उनका क्या है ना उत्तरदायित्व तो बनता है, तो वास्तव शिक्षा क्या है ना भगवान का नाम को प्रदान करना है वास्तव शिक्षा। तो जैसे बोलते हैं कि साधारण जागतीय जगत में कोई अपने पुत्र संतान को उत्पन्न तो किया, और अगर वास्तव में उनको शिक्षा जो सही शिक्षा जो जागतीय जगत की विद्या में पारंगत कराए नहीं, तो लोग बोलते हैं क्या ना पितृदोष ने मूर्ख था, वास्तव उसका जन्मकर्ता की नहीं दोष है, इसके कारण ये क्या होना ना मूर्ख बना। तो जाहिर जाती जगत के लोग ऐसे ही विचार हैं, तो इसी तरह कोई भगवान को इस दोष में दोषी ना बनाए, इसलिए क्या करे सृष्टिकर्ता को ही भेज रहे क्या करो ना वास्तव में तुम जो जीव को ये कृष्ण नाम की शिक्षा प्रदान करके उनको क्या करो ना वास्तव शिक्षा दो, जिसके द्वारा उनका उद्धार तथा कल्याण हो सकता है। इसलिए ये सृष्टिकर्ता को ही ये वास्तव शिक्षा प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने भेजे। हाँ बढ़िया बढ़िया बताए, हाँ ताली बजाओ। और किसी बनना है अच्छी कौन मनोज सीखो कहो सीखियो तो एम तो कही कही सीखियो सीखियो कहीं अच्छा ठीक है अच्छी कृष्ण
श्रीमन महाप्रभु जी सर्वप्रथम श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी को भेजे। नहीं, वो गोपी है ना, इसलिए छुप करके बोलेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर चार कारण जो बताते हैं, उसमें एक कारण है कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी हैं, आदि गुरु हैं, इसलिए जब तक जीव गुरु के शरणागत ना होते हैं तब तक जीव को कृष्ण प्राप्ति भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत आदि जितने जितने श्रेष्ठ भक्त हैं सब ने श्री नारद जी जैसे श्रेष्ठ भागवत गुरु को ग्रहण करके उनके कृपा से उन्होंने भगवत प्राप्ति किया। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी जो हैं अखंड गुरु तत्व हैं, सर्व जीवों का गुरु हैं, इसलिए महाप्रभु जी उनको भेजे, क्योंकि श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी के आश्रय से, गुरु के आश्रय से। और हरिदास ठाकुर जी जो हैं गुरु तत्व पर कई बार कहें कि गुरु चरण आश्रय का दरकार है, यही जो कला किसी लिए गुरु तत्व आपने पढ़ाई किया, ये जो हमने गुरु तत्व हमने पढ़ा है किस लिए पढ़ा है, कहाँ पर उसको व्यवहार करेंगे, यहीं पर व्यवहार हम कर सकते हैं। गुरु जीवन में क्यों ग्रहण करनी चाहिए, गुरु करने का क्या जरूरत है, किसने किसने ये गुरु ग्रहण किया, जो गुरु तत्व आप लोगों ने सीखा है तब यहीं पर तो प्रयोग करना, प्रयोग कहाँ करेंगे, यहीं पर प्रयोग करनी चाहिए। गुरु करने का क्या जरूरत है, गुरु तत्व में क्या बताए, उसको विश्व भर बोलनी चाहिए ना, तो लगाएंगे कहाँ लगाओगे गुरु तत्व को, बोलो इस विषय पर बोलो, क्यों किस लिए गुरु ग्रहण करना चाहिए, कौन कौन गुरु ग्रहण किया, गुरु नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, तो लगाएंगे कहाँ, यहीं पर तो वो सारे तत्व सीखा किस लिए, पकड़ में रखने के लिए, बोलो इसको बोलो। हाँ, तो ये यही कला है, हाँ? सीखा तो इसीलिए गुरु तत्व की सीखा का यहीं पर लगाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी को भेजने का यही उद्देश्य था कि जिस प्रकार हम देखते हैं श्रीमद् महाप्रभु जी की लीला में, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र में, रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार महाप्रभु जी के पास आए, परंतु जब नित्यानंद प्रभु के पास सर्वप्रथम उनका साक्षात हुआ तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आई सो चोरा, अर्थात तुम चोर हो। पहले क्या होता है ना, तुम विषय तत्व के आश्रय में तो जाते हो, परंतु विषय तत्व के आश्रय में आश्रय के लिए पहले क्या होता है ना, आश्रय तत्व के आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। यह विधि है, यह शास्त्र की विधि है। इस प्रकार भागवत में कहते हैं कि निदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल नवस्य त्रितम कुमान भवादिम न तरचात्मा। अर्थात निदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य शरीर ये आद्य है, अर्थात आद्य अर्थात इस सारे साधन के आधार स्वरूप हैं। मृदम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, और ये बड़ा दुर्लभ है। यद्यपि हमें लगता है कि अरे हमने तो बड़ा आसान से प्राप्त कर लिया, परंतु देखते जाएं, देखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार की दुनिया हैं, अपने अपने कर्म फल के अनुसार वो लोग कितने प्रकार के विभिन्न जल जान अवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य दीक्षण तीपुरमय रुद्र संख्या का विंश लक्षणी पश्चावाह त्रिश लक्षणी चतुर्लक्षणी मानव की देखते हैं। 20 लाख प्रकार के पशु हैं और 11 लाख प्रकार के जो कुर्म कीट आदि हैं और स्थावर जंगम जो हैं वो 30 लाख प्रकार के, इस प्रकार देखते हैं कितने वेरिएशंस है, परंतु इसमें अत्यंत जो क्षुद्र संख्यक है यह है मानव, चतुर्लक्षणी मानव। और उन चतुर्लक्षणी मानव में भी उसमें शिक्षा संस्कार के अनुसार जिस प्रकार पुलिंद बुद्ध और सबर जाति हैं, जिन लोगों का जो संस्कार इतना उन्नत नहीं है, ये लोग वन में रहते हैं, उनको पता नहीं उचित अनुचित, उनको पता नहीं कैसे सामाजिक व्यवहार की पता नहीं, तो उनमें से भी बहुत थोड़े से ही व्यक्ति क्या करते हैं इस परमार्थी के लिए आत्म कल्याण को के लिए प्रयत्न होते हैं। तो इसी प्रकार बोलते हैं ये जो निर्दयम है बड़ा सुलभ है सुदुर्लभ है और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। और ये जो प्लवम सुकल्पम दृढ़ नौ का स्वरूप है, और भगवान बोलते हैं मैं क्या हूँ ना, अनुकूल वायु स्वरूप हूँ,
परंतु इससे जुड़ा नौका होने पर भी, अनुकूल वायु होने पर भी क्या होता है उसमें एक ही जो प्रमुख भूमिका होता है किसका होता है, जो नौका चलाता है। तो इसलिए मनुष्य शरीर तो पा लिए परंतु इसको किस प्रकार पथ में लेना है यह एक, अगर जीव को अगर सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं, सदगुरु रूपी अगर नौका चालक प्राप्त हो जाते हैं तब क्या होता है ना, ये जो सुदृढ़ नौका पाकर जीवन को सही ओर पे ले सकता है, सही किनारे पे ले सकता है। इसलिए जो सदगुरु का चरणाश्रय है, गुरु का चरणाश्रय है, ये जीव के लिए अत्यंत प्रयोजनीय है। कोई अगर परमार्थ चाहता है, जिस प्रकार हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में श्री ध्रुव महाराज जी ने गुरु ग्रहण किया, वो गए चले गए वन में चले गए, तब नारद जी ने आकर उनको जो ओम नमः भगवते वासुदेव को जो मंत्र प्रदान की और साधन की पंथा बताई, तब नारद जी ने उसी गुरु के आदेश को पालन करके और गुरु जी के द्वारा दर्शाए हुए मार्ग को अवलंबन करके उन्होंने सहसा भगवत प्राप्त किया। देखते हैं श्रीमद् भागवत में और भी जो उपाख्यान है, प्रहलाद महाराज जी ने, उनका भी गुरु कौन है, जब सारे जो उनके सहपाठी लोग पूछते हैं अरे ये जो संडा मन का है हमारे गुरुकुल में जो ये सारे विद्या तो सिखाई नहीं जाती, तो आपने कहाँ से सीखा, बोले नहीं ये थोड़ी ये संडा मन का जैसे मूर्ख गुरु का गुरु मेरे थोड़ी गुरु हैं, मेरे गुरु तो नारद जी हैं जो परम भागवत परम वैष्णव परम भक्त हैं, इनके इनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा ही मेरे जीवन का आधार है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो भगवत प्राप्त करना चाहता है वो गुरु को वरण, गुरु कौन है, गुरु कोई साक्षात मरते व्यक्ति नहीं है, गुरु कौन है ना आचार्य माम भी जन्यात ना वो मन्य ते करिचे न मरते बुद्धिया सुयत सर्वदेव मय गुरु, कि आचार्य माम भी जन्यात आचार्य जो है कौन है ना माम भी जन्यात मेरे ही प्रकाश मानो, मेरे ही साक्षात प्रकाश मानो। इस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के अभिन्न प्रकाश से नित्यानंद प्रभु जी को श्रीमन महाप्रभु जी भेजने का यही उद्देश्य है कि सारे जीव क्या करें ना, संसार में प्रत्येक जीव को सर्वप्रथम गुरु ग्रहण करना चाहिए और गुरु ग्रहण करके क्या करना चाहिए, आदर गुरु पदाश्रय, गुरु पदाश्रय ग्रहण करके क्या करना चाहिए ना, भजन के जो अंग आदि को पालन करना चाहिए। भजन के अंग तो बहुत सारे हैं, इस प्रकार भक्ति बताया उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके प्रहलाद महाराज जी ने जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन बताया, उसको थोड़ा सा और संक्षिप्त करके चैतन्य चरितामृत में पांच प्रकार के भक्ति अंग का बताया कि नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रद्धा साधु संग और श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन, उसमें भी तीन जो है श्रवण कीर्तन और स्मरण और तीनों में से भी श्रेष्ठ क्या है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले हरे कृष्ण प्रेम धाम, उसमें भी क्या है ना सर्वश्रेष्ठ क्या है ना नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण नाम की कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जो श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, हरिदास ठाकुर जी क्या है ना नामाचार्य हैं, इसलिए श्रीमद् महाप्रभु जी ने इसलिए इसी उद्देश्य से भेजा कि जीव क्या करे सर्वप्रथम गुरु के चरणाश्रय करे और गुरु के चरणाश्रय करके श्री हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य स्वरूप हैं, उनसे नाम की शिक्षा लेकर नाम करके भगवत को प्राप्ति करें। इसलिए ये कितना हो गया, ये तीन कारण हो गया है और इसका जो चौथा कारण इसको याद है, किस भी याद नहीं है कबीर राधा रमन तुम्हारा याद है नहीं, इसको याद तुम कह रहे हो तुम्हारा बनना चाहिए हाँ कदम आए एकदम चौथा कारण बोलो हाँ को हम लोग ने अभी श्रवण की कि ये जो नित्यानंद प्रभु है ये बलदेव प्रभु के अवतार और ये हरदास ठाकुर ये ब्रह्मा जी का अवतार, तो उनका वास्तव स्थिति अगर देखा जाए ये कोई साधारण नहीं है, सृष्टि का सबसे बड़े, तो इसके कारण महा ये जाके क्या मांग रहे हैं ना,
बोले कि बोले कृष्ण भजे कृष्ण करे कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु ने बोले कि लोगों से यही भिक्षा मांगना, मगर कोई बड़े आदमी जो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं कभी छोटे वस्तु को मांगते नहीं, तो इसलिए ये क्या मांग रहे। बोले कि जगत का सबसे बड़े श्रेष्ठ जो चीज है क्या, बोले कृष्ण भजे कृष्ण करे कृष्ण शिक्षा, मतलब भगवान के नाम को ही मांगते हैं। जितने सारे शास्त्र है इसका सबसे जो निर्जयास निकल जो निष्कर्ष निकला वो है क्या, भगवान के नाम में उसी वस्तु को मांग रहे। जैसे हम श्रीमद भागवतम पढ़े, पहले तो वेद था, एक ही वेद था ऋग वेद, उसको व्यास देव जी ने क्या किया चार वेद में परिणत किए, फिर वेदांत सूत्र, फिर धीरे 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 क्या हो गए, फिर जब देखे कि वेद में ये स्त्री और शूद्रों का अधिकार नहीं है इसलिए महाभारत को रचना किए, महाभारत में गीता को भी बोले, फिर भी भगवान की विशेष बाल लीला इत्यादि में वो रचना नहीं किए थे, वो खुद को उनको संतुष्ट नहीं है, फिर क्या किया श्रीमद भागवत ये वेद वेद रूपी निगम जो कल्प वृक्ष का जो सार है उसको फिर प्रकाशित किए, और उसका जो सार भी क्या बोलते हैं कि नाम संकीर्तनम जैसे सर्वपाप प्रणशनम, कि अंतिम में यही बात बताते, बोले अंतिम में कौन सा चीज बताते, बोले जो सार वस्तु है उसको ही अंतिम में बताते हैं। और इसके अलावा भी बलि महाराज के चरित्र में भी आता है, इतने 100 यज्ञ किए केवल केवल इंद्र पदवी को प्राप्त करने के लिए और देने के लिए बलि महाराज को, और अंतिम में जब श्रीमन खुद वामन देव ने बोले कि हे शुक्राचार्य जी आप क्या करो पुण्याहुति करो, तो उस समय शुक्राचार्य ने एक बात बोल दी कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश काल ही वस्तु भी सर्व करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम तव प्रभु, कि आपके नाम में इतना शक्ति सामर्थ्य है वो क्या करता है ना शारीरिक शरीर अमंगल को मंगल कर देता है, अशुद्धि की शुद्धि कर देता है और शारीरिक शरीर अपवित्र को पवित्र करता है, और जहाँ खुद आप प्रकाशित हो गए तो उसमें और क्या फिर पूर्णावत के क्या और कहे, तो आप ये क्या अपने आप ही पूर्ण हो गया, तो इसलिए नाम संकीर्तन की क्या महात्म्य है उसी चीज को बतलाते हुए ये क्या किए ना जगत के जो सबसे बड़ी चीज वही चीज को भिक्षा मांग रहे जिसके द्वारा जीव का कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए ये क्या करे साधारण चीज को नहीं मांग रहे, सबसे उत्कृष्ट वस्तु जो भगवान के नाम उसको ही मांग रहे जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो सकता। और ब्रह्मानंदे हरे हरे, इसलिए कदे श्री कदी ये चार कारण है, ये महाप्रभु इनको जगत में क्यों भेजा था, इसलिए उन्होंने तीन चीज की बोले तीन चीज की भिक्षा मांगना। पहला नंबर है बोलो कृष्ण, इसलिए बोलना तो कृष्ण ही बोलना, तो इसको ऊपर में प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। उन्होंने क्यों बोले, बोलना तो क्या बोलना, केवल कृष्ण ही बोलना और कोई चीज को नहीं बोलना। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं बा कृष्ण बोलते हैं पहला क्या होगा, अपना कल्याण होगा। क्या पहला किसका कल्याण होगा, अपना कल्याण होगा, फिर जब कोई सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। लेकिन जब हम कृष्ण नहीं बोल करके जब हम विषय की बात बोलेंगे अपना तो अमंगल है ही है, दूसरा के भी अमंगल है, अपना अमंगल और दूसरा का भी अमंगल। लेकिन जब हम कृष्ण बोलेंगे पहले अपना लाभ, जैसे हरि कथा बोलो पहला लाभ किसका है, दूसरा का पहले लाभ नहीं, पहला लाभ किसका, अपना। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सुनने वालों का जितना लाभ है बोलने वाले का डबल लाभ है। जो बोलते हैं जैसे जो कथा सुनते हैं, भले ही यहाँ कथा के लिए बैठे हैं हो सकता है आपका मन और कहीं, लेकिन जो कथा बोलता है ना अगर एक सेकंड के लिए भी उसका मन अगर कहीं चला गया ना वो कथा नहीं बोल पाएगा। ये कथा इतना आसान नहीं कथा बोलना है, इसलिए एकदम धारावाहिक रूप में तुम्हारे दिमाग में वही चीज चलेगी फिर जाकर के तुम किसको बोल सकते हो, नहीं तो बोल ही नहीं सकते। इसलिए श्रोता का जितना लाभ है वक्ता का उसका डबल लाभ है। इसलिए महाप्रभु बोले बोला कृष्ण, अगर किसको कुछ बोलना है ना कृष्ण कथा छोड़ करके, इसलिए महाप्रभु बोले या बोई ना बोली वे ना बोलाई वे आर, इसलिए और कुछ बोलना नहीं और दूसरों को कुछ बुलवाना भी नहीं, बोलना तो कृष्ण बोलो हाँ और बुलवाना तो कृष्ण का ही बुलवाओ। इसलिए अगर कृष्ण इतर बात को बोलोगे, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसमें क्या होगा, बोले आत्म विस्मृति। जब हम विषय की बात बोलेंगे पहले तो जो बोलेगा उसका ही अमंगल है और जिसका जो सुनेगा उसका भी अमंगल है, भगवान को भूल जाओगे। लेकिन अगर कृष्ण कथा बोलोगे तो किसका स्मरण होगा,
भगवान की नाम रूप गुण लीला है। पहले तो जो बोलेगा उसका भी कल्याण है और सुनने वाला का भी कल्याण है। इसलिए कहते ये बोलो कृष्ण, बोलने से और क्या लाभ? पहला लाभ तो ये, दूसरा लाभ क्या है? तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, कहते महाबदन्ना का ये प्रदान है। इसलिए ब्रज गोपियां क्या कहती हैं? बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवन कभी मेरे प्रीतम कल्मषाप श्रावण मंगल श्रीमदा तत ओभिगृणन्ति ते भोरिदा जना। इसलिए ब्रज गोपियां राधा रानी कहती हैं, अगर हम कृष्ण किसको अगर कृष्ण कथा बोलेंगी, यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कथा में सात लाभ है। कितना लाभ है? सात लाभ है। कौन कह रही है? राधा रानी ये बात को स्वयं कहते, तुम्हें सात लाभ मिलेगा। इसलिए तब कथा अमृतम, कथा से क्या होगा? अमृतत्व की प्राप्ति होगी, अमरत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। इसलिए तब कथा अमृतम तप्त जीवनम है। संसार में हम तप्त जीवन में दुख कष्ट हम भोग कर रहे हैं। अब देखो जब तक हम कथा में बैठे हैं ना, किसकी चिंता याद आ रही बताओ? भगवान की याद आती, ठाकुर जी की। लेकिन केवल कृष्ण कथा से बाहर जाओ फिर क्या याद आएगा? दुनिया की याद आएगी। लेकिन जब तक तुम कृष्ण कथा में बैठो किसकी याद आ रही? भगवान की याद आती है, ठाकुर जी की याद आती है। इसलिए कहते तप्त जीवनम, कथा सुनने से जो उत्तप्त जीवन है वो उत्तप्त जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी रीढ़ तब कथाओं को बोलने वाले कौन है? सर्वप्रथम कथा किससे निकली? भगवान के मुंह से है। इसलिए सबसे पहले भगवान के नारायण भगवान कृष्ण की मुंह से ही उन्होंने ये कृष्ण कथा निकली है। इसलिए फिर ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद, नारद प्यास प्यास सुख, ये गुरु परंपरा में आई है। इसलिए बोले कभी भी रीढ़ितम, बड़े बड़े कवि लोग जिसकी गान करते हैं, बोले कलमस आप कथा सुनेगा तो क्या होगा? जो कलमस जो पाप है वो समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। अलश्रवण मंगलम, भगवान की कथा सुनने से मंगल भवन अमंगल हलि, श्रवण मंगलम। बोले श्री श्री मतलब शोभा सौंदर्य जस प्रतिष्ठा लक्ष्मी, सब कुछ कथा से ही सब कुछ अर्थ परमार्थ सब कुछ मिलेगा। और दा मतलब होता है संसार का बंधन भी खत्म होगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा चीज दान है, लेकिन जीव को जो कृष्ण भक्ति दान करते हैं, कृष्ण कथा दान करते हैं, वो जगत में सबसे बड़े दानी, उनसे बड़ा दानी जगत में कोई नहीं। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज इस विषय पर कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते प्रायण देव मुन्नय सभी भुक्त कामा मौन ने चरंती परार्थ गामी। जो लोग मौन होकर घर में बैठे रहते हैं बोले स्वार्थी लोग है वो। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते मैं तो श्री नारद जी को जय जयकार करता हूँ, मैं जैसे राक्षस बालक है, राक्षस बालक, लेकिन देखो मेरे गुरु जी की कृपा देखो, मैं माँ के पेट में रहते समय उन्होंने मैया को उपलक्ष्य कर कथा सुनाई, लेकिन माँ के पेट में बैठी बैठी कर सारी कथा मैंने सीख लिया। माँ के पेट में बैठी बैठी करके मैं सारी कथाओं को कथा को सुना और आज इतना भक्ति क्यों बना? बोले नारद जैसे भगवत कथा प्रचार किए तब भी आज मैंने राक्षस होते हुए भी आज मैं इसी भक्ति जगत में आया। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं ये माया जो फंसे हुए जो जीव है, कहते एक व्यक्ति को अगर भगवान की कथा सुना करके किसी तरह से किसने भजन में अगर लगा दिया तो कितना लाभ। प्रभुपाद कितने बड़ी बात कहते हैं, बोले करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ अन्न छत्र कोई खोल दे, कर्ण करोड़ स्कूल कॉलेज कोई खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी केवल एक व्यक्ति को जो भजन में ले आएगा उससे अनंत करोड़ों गुण में उसके ज्यादा पुण्य मिले, अनंत करोड़ों गुण में प्रभुपाद कहते। इसलिए कहते जगत में जितना दान है सबसे बड़ा दान किया है? कहते जो भगवान की कथाओं को जो
दान करते, इससे बड़ा दान जगत में कुछ नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, बोलो कृष्ण, क्या बोलना है? कृष्ण कृष्ण, जब बोलो क्या होगा? सबसे बड़े तुम, सबसे बड़े वदान्य हो, सबसे बड़े दानी तुम हो जो कृष्ण कथा बोलते हैं। देखो जैसे तुम लोग इधर आकर बैठे हो, हरि कथा सुनते हो, किसने प्रचार किया तब तक यहाँ पर बैठे हो? अगर कोई प्रचार नहीं करता तो फिर क्या यहाँ आकर बैठते? बताओ, अभी यहाँ पर कोई आकर बैठते कथा सुनते? हम तो अपना घर में मस्त रहते, टीवी खोल कर बैठे हुए होते, दुनियादारी की यार दोस्त में लगे हुए होते, माया में फंसे हुए होते। किसने प्रचार किया तभी तो आप लोग आए ना, बिना प्रचार किए यहाँ पर कोई आ गया? कोई क्या आ गया? कोई यहाँ पर कोई नहीं आया। किसने प्रचार किया, जाकर हरि कथा सुनाए, क्लास दिया, सुने तभी जाकर कोई आया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते हैं ये महाबदन्य का परिचय है। और तीसरा जो लाभ कहते हैं, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। कृष्ण कौन है? तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नामनामि। बोलो कृष्ण, जब कृष्ण बोलो, कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं, हो एक ही है। भगवान का नाम चिंतामणि रस स्वरूप आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप भगवान का नाम है। इसलिए कहते पंचमा क्या कहते हैं, देख प्रभुपाद कितने बड़ी बड़ी बात कहते, बोलो कृष्ण से क्या लाभ है? क्यों महाप्रभु बोले कृष्ण बोलो है, बोलो कृष्ण? कहते कृष्ण बोलने से क्या होगा? बोले कृष्ण भगवान, भगवान का नाम अभिन्न है, हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। इसलिए प्रभुपाद कहे तुम्हें कृष्ण बोलने से कृष्ण प्रेम प्रकट होगा है। कहते जो भी इसका जो आदेश जो को जो पालना करेगा वो कौन है? बोले आचार्य है, तारा चैतन्य दास आत्मे आत्मनियोगे प्रतिष्ठित होएंगे। इसलिए जो भगवान की कथा जगत में प्रचार करता है उसका ही जगत में जय जयकार, उसका ही जगत में महिमा है। इसलिए हम कल सुनेंगे भज कृष्ण और कर कृष्ण सिख्या महाप्रभु, तीन आदेश दिया है, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या, ठीक है? आज जो मैंने बताया बोलो कृष्ण याद रहेगा तो कल कोशिश करना बोलने के लिए, जिसका इच्छा होगा जो याद करके बोल सकता है बोलना, ठीक है? हरे कृष्ण, महाराज माइक दे दो महाराज, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सिद्धांत गोस्वामी महाराज जय नित्यलीलाभ्रष्ट भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जय नित्यलीलाभ्रष्ट भक्त वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जय नित्यलीलाभ्रष्ट भक्त वेदांत भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जय भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद विजय सपरिकर गौर हरि की जय अनंत भट्ट गौर भक्त वृंद विजय समागत गौर भक्त वृंद विजय निष्कंजन महाराज की जय।